हेलो फ्रेंड्स, सतपुड़ आईटीआई ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं तुलसीराम बघेले आपके सामने एक आईटीआई थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक, एक चैप्टर है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी बता रहे हैं यहाँ पर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, सामने दिखाई दे रहा है आपको। ये डायग्राम जो बना है, यहाँ पर हम इसमें डायग्राम में यहाँ पर ये इसका बॉडी है, स्टेटर वाइंडिंग है, एयर गैप है। यहाँ पर स्टेटर और रोटर दोनों के बीच में एयर गैप होता है और रोटर के कंडक्टर्स हैं जिसमें ईएमएफ जनरेट होता है, और ये सॉफ्ट है और ये बेस है। तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं अब हम। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल कैसे होता है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जैसे ही हम यहां पर थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम प्रोवाइड करते हैं, थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर स्टेटर वाइंडिंग में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डेवलप हो जाता है। इस वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिस कारण यहां पर बीच में रखा हुआ रोटर जो है ये मूव करता है, घूमने लगता है। तो ये जो स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग जो है ये 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री पर कनेक्टेड रहता है। 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री पर कनेक्टेड होने के कारण जब इसे हम थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो वैसे ही यहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण यहां पर इसमें रोटर घूमने लगता है। और रोटर के घूमने के कारण रोटर में जो चालक लगे होते हैं, रोटर के चालक भी घूमने लगते हैं। और इंडक्शन का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब कोई चालक घूमता है या मूव करता है, तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है। और जैसे ही यहां पर हम थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, यहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये कौन सी स्पीड में होता है? ये सिंक्रोनस स्पीड में होता है। जैसे कि यहां पर सिंक्रोनस स्पीड को हम ns से डिनोट करते हैं। ns इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला होता है, ns इज इक्वल टू 120 f/p। ठीक है, तो यहां पर ns क्या है? सिंक्रोनस स्पीड। f क्या है? फ्रीक्वेंसी, मीन्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी। थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मीन्स यहां पर ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। और पी क्या है? नंबर ऑफ पोल। तो दोस्तों यहां पर इस मोटर का सिंक्रोनस स्पीड नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे सिंक्रोनस स्पीड का मान घटता जाता है, और नंबर ऑफ पोल्स घटाने पर सिंक्रोनस स्पीड का मान बढ़ जाता है। तो यहां पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हमने जाना, और दोस्तों कल हम कल हम इंडक्शन मोटर के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आते हैं, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोला जाए तो स्लिप निकालना, रोटर फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, और सिंक्रोनस स्पीड कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ पोल्स के आधार पर, इसके बारे में इसके आगे वाले वीडियो में हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।